सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिजीत कलमकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कई दिनों से आपने सुना होगा कि न्यूज में बहुत सारी एआई वाली चीजें आ रही है, तो मैं आपको बता दूं एआई आपके जॉब्स खाने वाला है एंड इट्स अ फैंटास्टिक न्यूज। पता ही क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा फ्री टाइम देने वाला है और भी रियल पैसा कमाने के लिए। ये आपके एबिलिटीज को भी है ना बहुत ही ज्यादा फर्दर पुश करने वाला है एंड यू विल हैव दैट सुपर पावर, ट्रस्ट मी। काफी लोग इस बात से बहुत ज्यादा पैनिक होने वाले हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शांत शांत। Now the demand of artificial intelligence booming worldwide. Artificial intelligence can do a lot of things. AI can now crack your passwords. An open letter calling for a 6-month pause on AI development. Artificial intelligence could replace millions. Swathi media outlet has unveiled a virtual news presenter. The tool says AI will replace 4.8 million. Because it could be so powerful. It needs to be developed with care, with concern, and with guardrails. अगर आप अभी सर्च करोगे ना गूगल पे एआई के बारे में, तो आपको बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग चीजें दिखने वाली है, जैसे कैसे एआई ने बना दिया एक बहुत ही बढ़िया सा इमेज, कैसे एआई एक आईक्यू टेस्ट पास कर रहा है, कैसे एआई आपका काम कर पाता है आपसे भी बेटर वे में। और सारे आर्टिकल, सारे पोस्ट, सारे वीडियोस आपको यही बताएंगे कि भाई फ्यूचर खतरे में है, और कई बार ना ये काफी डरावना भी लगता है, क्योंकि एआई इस शब्द ने काफी ज्यादा मार्केट में डिसरप्शन कर दिया है। लेकिन डिसरप्शन के साथ आती है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आपको इस चीज के लिए ना बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रहना पड़ेगा। क्या एआई सच में इतना रेवोल्यूशनरी है? क्या एआई सच में करोड़ों जॉब्स का डिसरप्शन क्रिएट कर सकता है? क्या एआई दुनिया बदलने वाला है? तो इसके लिए एक एकदम सिंपल सा आंसर है, यस। एक ह्यूमन बीइंग का जो माइंड होता है ना, वो एक लिमिटेड स्टेज तक चल पाता है और वो एक लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। एलन मस्क कहते हैं कि वो जो पेमेंट लोगों को करते हैं ना, वो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करते हैं कि वो उसकी कैपेबिलिटी इंसान की क्या है और वो कितने टाइम में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। एंड एआई आपको हेल्प करता है इन प्रॉब्लम्स को फास्ट सॉल्व करने में, फास्ट सॉल्विंग यानी कि फास्ट पैसा। अगर आप सोच रहे हो कि आप एआई को बीट करके आगे जा सकते हो, तो ये ख्याल आप यहीं पे छोड़ दो। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन तात्पर्य है वो ये है कि भाई एआई से डरो मत, एआई से लड़ो मत, उसे यूज करो। मान लो आप एक एडवोकेट हो, आप सोच रहे हो कि भाई एआई मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे प्रोफेशन से तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। चैट जीपीटी ने रिसेंटली आर्ग्यूमेंट्स भी दिए हैं। सो यस, ये हर एक के प्रोफेशन पे इफेक्ट करने वाला है। तो बेसिकली आप किस प्रोफेशन में हो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। आप आपका काम एआई यूज करके बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे और इसका पूरा एडवांटेज ले पाओगे अगर आप इसे राइट वे में सीखते हो। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हो अभी एआई के बारे में, तो दोस्तों स्टॉप करो और यूज करो इसे। At my company, over here at Wolfed Photography, हम लोग भी आज marketing funnels जो है वो AI के जरिए ही बना रहे हैं। हम लोग जो हमारा content plan कर रहे हैं वो भी AI के जरिए ही बना रहे हैं। हम लोग advertising जो कर रहे हैं, उसका copywriting जो कर रहे हैं, वो भी AI के जरिए ही बना रहे हैं। And not only that much, हम लोग भी AI use करके बहुत सारे client के photos and videos बनाने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आगे आने वाले एक video में मैं आपके साथ share करूँगा कि कैसे मैंने एक project pitch किया है with just AI photos। मेरे पास कोई उनका डेटा नहीं है, क्लाइंट का कोई फोटोग्राफी डेटा नहीं है, कोई वीडियोग्राफी डेटा नहीं है, बट स्टिल द क्लाइंट इज पिच्ड बिकॉज हम लोगों ने डेमो दिया है उन्हें। सो यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि आपका प्रोफेशन मैटर नहीं करेगा, आपको एआई बहुत काम आने वाला है। काफी दिनों से एआई पे बहुत सारा रिसर्च में कर रहा हूं। इन रिसर्च के दौरान मुझे और एक चीज समझिए कि भाई एआई जो है ना वो पूरी तरीके से आपका फ्यूचर बदलने वाला है। आज अगर आप इसका एडवांटेज लेते हो ना, तो आप प्रॉफिट में हो। आज अगर आप इसका एडवांटेज नहीं लेते हो, तो ट्रस्ट मी, आप बहुत बड़े लॉस में हो। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूँ, एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ। प्लीज, मेरा आपसे यही कहना है कि भाइयों कंप्लेन करना बंद करो कि एआई ये कर रहा है, एआई वो कर रहा है, मार्केट डिसरप्ट हो रहा है, ऐसी चीजें हो रही है, वैसी चीजें हो रही है, मुझे भी पता है सब हो रहा है। लेकिन इसके दौरान आपको फास्ट रहना जरूरी है, आपको बहुत फास्ट एआई सीखना जरूरी है, आपको बहुत फास्ट दुनिया के साथ चलना जरूरी है। बिकॉज अगर आप नहीं चलते हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। बाय द वे, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं हूँ अभिजीत कलमकर। आई रन अ फोटोग्राफी कंपनी नेम्ड वुल्फेड फोटोग्राफी। वी आर मोर इनटू कमर्शियल्स एंड फैशन, जहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी सारा काम करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट हेडशॉट्स, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज, कॉर्पोरेट फिल्म्स, एवरीथिंग। और ये जो मेरा चैनल है, इसके ऊपर मैं ना कि सिर्फ फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी बट ऐप, AIs और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में भी बात करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गो सब्सक्राइब राइट नाउ। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो के साथ।
चलिए एक बहुत ही अहम मुद्दे पे आते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा पूरा रीजन ये है कि भाई AI कल के जमाने में बहुत ही ज्यादा फास्ट होने वाला है। जो एक्सेलरेशन AI ने पकड़ा है लास्ट कुछ मंथ्स में वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही फास्ट है, और इसके साथ हमें भी फास्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप फास्ट हो तो आप जीत जाओगे, वरना आप बहुत पीछे रह जाओगे। और AI के बारे में जितना आप सुन रहे हो ना, मैं चाहता हूं कि आप उन चीजों का एडवांटेज लो। चलिए बात करते हैं 3 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको आज अब भी करना स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 1, आप AI को एज एन एनिमी मत देखो, उसे एज अ दोस्त देखो। ये मत देखो कि आप इससे कितना लड़ सकते हो, ये देखो कि आप इससे कितना प्रॉफिटेबल हो सकते हो। नंबर 2, अगर आपके दिमाग में ये फीलिंग है कि AI आपको रिप्लेस करने वाला है, जी नहीं, AI आपको रिप्लेस नहीं करने वाला है, एक इंसान जो कि आपसे पहले AI यूज कर रहा है वो आपको रिप्लेस करने वाला है। आप अभी मार्केट में सुन रहे हो कि AI किस तरीके से डिसरप्शन क्रिएट कर रहा है, किस तरीके से लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखो और कंप्लेन करना बंद करो। इससे भागो मत, आपकी कमियां देखो, आप में क्या कमियां है, और उसे यूटिलाइज करो एक पावरफुल फ्यूचर बिल्ड करने के लिए। नंबर 3, उन AI टूल्स को आइडेंटिफाई करो जो आपके प्रोफेशन में आपको मदद करने वाले हैं, और जल्दी से इन टूल्स को सीखना स्टार्ट कर दो। जब आप इन टूल्स को सीखोगे, मोर एफिशिएंटली इन टूल्स के साथ वर्क कर पाओगे, आप बहुत इजीली कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे, और जितने जल्दी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने का सीखोगे उतना आप नजर में आओगे जिन्हें इस प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत है। तो अल्टीमेटली आपने और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली आपके खुद के लिए। इस वीडियो में एलन मस्क के कुछ एग्जांपल्स मैं इसलिए ले रहा हूं बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। एलन मस्क कहते हैं कि जितना फास्ट आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे उतना जल्दी और उतना ज्यादा आप पैसा कमा पाओगे। तो बस मान के चलो कि आपका नया लाइफ है, नया बर्थ है, आपको ग्रो होने के लिए बहुत ज्यादा चांस है। और जब तक आपके फील्ड में जो लोग हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो जब तक सोच रहे हैं कि भाई ये AI क्या कर रहा है, तब तक तो आप ऑलरेडी आगे निकल चुके होंगे। अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो आज आप आपके स्किल सेट को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हो और इसे लेवरेज कर सकते हो टुवर्ड्स द फ्यूचर दैट यू वर थिंकिंग अबाउट, जो इससे पहले पॉसिबल नहीं था लेकिन आज पॉसिबल है बिकॉज ऑफ AI। AI को यूज करने का सेकंड बेस्ट एडवांटेज आपको है कि भाई ये कितना फास्ट आंसर्स दे पाता है, कितने एफिशिएंटली आप इस पे काम कर पाओगे। जस्ट सोच के देखो, रियल लाइफ आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, आप बैठते हो 2-3-4 घंटों के लिए रिसर्च करते हो कि भाई जाना कहाँ पे, क्या करना है। आज आपको जरूरत नहीं है, ओपन AI के ChatGPT पे जाओ, टाइप कर दो आपको जाना कहाँ पे और कितने दिन आप वहाँ पे रहने वाले हो, बस आपका आइटिनरी पूरी तरीके से रेडी है। सो दिस इज द पावर ऑफ AI। चलिए जानने का ट्राई करते हैं कि AI आज क्या क्या कर पा रहा है। आज के जमाने में AI आर्टिकल्स लिख पाता है, सोशल मीडिया के लिए कैलेंडर बना पाता है, आपके अलग अलग पोस्ट्स लिख पाता है, आप जो भी लिंक उसमें डालो उसे समराइज करके आपको दे सकता है, आप एक बड़ा सा टेक्स्ट डालो उसे छोटा करके दे सकता है, आप आपका खुद का फोटो डालो वो आपको एक सुपर हीरो में कन्वर्ट करके दे सकता है, AI आपको पूरी बुक को 4 लाइंस में समझा सकता है, आपके लिए प्रोफेशनल्स ईमेल्स ड्राफ्ट कर रहा है, आपके आवाज में कुछ चीज बोल पा रहा है, आप जो लिख रहे हो वो राइट है या नहीं वो आपको बता पा रहा है। कुछ महीनों पहले जब मेरे क्लाइंट्स को रिक्वायरमेंट होती थी एक वॉइस ओवर की, इट वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फॉर अस, एक वॉइस ओवर जनरेट करना इज नॉट ए सिंपल थिंग, बट आज आपको 10 मिनट के अंदर पूरी एड का वॉइस ओवर दे देता है। तो दिस इज द पावर ऑफ AI। AI एक एफिशिएंसी टूल है जिससे आप लाइफ में बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हो। लेजेंडरी फ्यूचरिस्ट रे क्रूजविल प्रेडिक्ट करते हैं कि 2045 तक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी ज्यादा होगी आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि वर्ल्ड किस डायरेक्शन में हेड कर रहा है। क्रूजविल का जो एक्यूरेसी रेट है ना वो 87% का है, और इस एक्यूरेसी रेट की वजह से गूगल ने भी उन्हें डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर के हिसाब से हायर किया था। देखो सिंप्लीफाई करके मैं एक बात बताता हूँ, आपका जो ब्रेन है वो आपके फ्रेंड को, आपकी बहन को, आपके भाई को या आपके मॉम डैड को सुनता है, लेकिन AI एक ब्रेन है जो कि वर्ल्ड में बसे हुए पूरी ऑडियंस को, पूरी पब्लिक को सुन रहा है और वो रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के दौरान वो अपने खुद को तैयार कर रहा है जिसे हम कभी भी जिंदगी में कम्पीट नहीं कर सकते। आप 4 लोगों का सुन के रिएक्ट कर रहे हो, AI करोड़ों लोगों का सुन के रिएक्ट कर रहा है, सोचो उसका मेंटल पावर कितना बढ़ रहा होगा एवरी डे, वो कितनी चीजें अपने अंदर ले रहा है और कितनी चीजें अपने अंदर से दूसरों को बांट रहा है, सोचो उसमें एडवांसमेंट्स कितने आए होंगे। तो अगर एक लाइन में इसको समराइज करने जाए ना, तो जितना पूरा ह्यूमन पावर है ना उतना भी कंबाइन करके एक AI के ब्रेन जितना ब्रेन नहीं बना सकता है। दैट्स द बिटर ट्रूथ। अगेन एलन मस्क ने रिसेंटली ट्वीट किया था, AI इज कैरी गुड एंड वी आर नॉट फार फ्रॉम डेंजरसली स्ट्रॉन्ग AI। अब ये तो सब हम लोगों ने AI की अच्छी चीजों के बारे में बात की, लेकिन ये पोटेंशियली फ्यूचर के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, और आपको थॉटफुल रहना है कि कैसे आप इसे राइट वे में यूज कर रहे हो, ऑथेंटिसिटी के साथ यूज कर रहे हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एथिकली यूज कर रहे हो। हम लोगों ने काफी डीप डिस्कशन कर लिया है कि AI क्या क्या कर सकता है। अब देखते हैं कौन से फील्ड्स AI को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री AI को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो काफी फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ रहा है। गेम डेवलपर्स जो है वो AI से अपने कैरेक्टर्स बना पा रहे हैं।
आर्टिस्ट्स को जहां पे बहुत ज्यादा दिन लगते थे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, वो आज हाथों हाथ घंटों भर में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर पा रहे हैं। कंपनीज लाइक बियोमी है, डीएनए रिलेटेड और भी जो कंपनीज है, वो एआई को नए स्पेसिमेंस डेवलप करने के लिए यूज कर रहे हैं एंड इससे कैंसर भी डिटेक्ट होने लगे है। हॉस्पिटल सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से एडवांसमेंट्स में चल रहा है। हो सकता है कि कल एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बींग भी बने, मे बी ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आ सकती है, लेकिन आपके सोचने से बहुत पहले ये टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। इतना फास्ट जमाना आगे जा रहा है, अब आपके दिमाग में डरावना सा ख्याल शुरू हो गया रहेगा कि भाई बस हमारा तो फ्यूचर खत्म है, हम लोग क्या करने वाले अगर हम लोग नहीं सीख पाए इसे। तो मैं आपको बता दूं, एआई कोई मैजिक नहीं है, ये एक टूल है एंड इनफैक्ट इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टूल। AI जो है ना वो हमारी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई कर रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप देख पाओगे कि ये जो सबटाइटल्स आ रहे हैं ना पूरी तरीके से, ये जो टैग्स आ रहे हैं, ये टाइटल्स आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से एक AI ने जनरेट किए हैं, वो भी मेरे फोन पे, और इस AI का नाम है captions.ai। तो सोचो अगर अब मैं इसे मैन्युअली जनरेट करने जाता तो मेरा कितना टाइम बर्बाद होता था, बट यहाँ पे बहुत ही आसानी से कुछ सेकंड्स में इसने ये बना दिया है। एक छोटा सा डाउनसाइड है, एआई की होने की वजह से आपको किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं, ना फोटोग्राफी में, ना सिनेमाटोग्राफी में, ना ही वीडियो एडिटिंग में, और ना ही स्कल्पटिंग और आर्ट्स में। आपको बस एक चीज़ करनी है, डिस्क्राइब करना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपका डिस्क्रिप्शन राइट हो तो आपको ज़रूर वो चीज़ बना के देगा। तो हम लोग आए हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में और हम लोग जानने का ट्राई करेंगे कि एआई से हम लोगों को एडवांटेजेस कैसे होंगे। सबसे पहले आपको एआई और उसके कैपेबिलिटीज के बारे में सीखना है। सेकेंडली आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना है, आपको अप टू डेट रहना है, आपको हर एक न्यूज, हर एक आर्टिकल, हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। आज दुनिया में क्या चल रहा है तो आपको अप टू डेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्डली आपको लेना एक मैसिव एक्शन, यानी कि आपको इन चीजों को यूज करके आपका फ्यूचर संभालना है और इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और अगर आप सीख गए ना तो आप एक फर्स्ट लाइन मूवर होंगे। आपको आपके आसपास वाली दुनिया से बहुत जल्दी पता होगा कि ये टेक्नोलॉजी चलती कैसे है। क्या आपको पता एक नया टर्म है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। प्रॉम्प्ट इंजीनियर कौन होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक ऐसा इंसान है जो कि इन एआई को प्रॉम्प्ट देना जानता है। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग से प्रॉम्प्ट्स बताने वाला हूँ। बाय टाइम आप ये जरूर सीखोगे, मैंने भी सीख लिया है। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि चैट जीपीटी स्टार्ट टू एंड यूज कैसे करना है, कैसे आप इससे एसईओ टेबल बना सकते हो आपके वेबसाइट के लिए, कैसे आप आपके बिजनेस में एक्सेल कर सकते हो विद गुड एडवर्टाइजिंग कंटेंट दैट चैट जीपीटी विल गिव यू। एंड बस हम लोग आए हमारे वीडियो के एंड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड यस, हम लोग और भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ आने वाले हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।